हेलो दोस्तों, आज हम आप लोगों के साथ दहीवाड़ा की रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, दहीवाड़ा खाना हर कोई को पसंद आता है, लेकिन उन लोगों को काफ़ी परेशानी होती है जिन्हें तेल खाना बिल्कुल पसंद नहीं है या फिर उन्हें किसी कारणवश तेल खाना मना है। तो चलिए हम वीडियो के लास्ट में आपको बताएंगे बिना तेल का कैसे हम दहीवाड़ा बनाते हैं या फिर कम तेल में भी हम कैसे दहीवाड़ा बना सकते हैं। चलिए देर ना करते हुए दहीवाड़ा बनाने के लिए हमने यहाँ पे 1 कप उड़द की दाल ली है। उड़द की दाल इस तरह की व्हाइट कलर की होती है, सफ़ेद कलर की, मार्केट में बहुत ही इजली अवेलेबल होता है। तो इसे हम यहाँ पे उड़द दाल से, हम उड़द और मूंग की दाल से हम दहीवाड़ा बनाएंगे। आप चाहें तो सिर्फ उड़द की दाल से भी दहीवाड़ा बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम 1 कप उड़द की दाल ले रहे हैं और साथ में हम 1 कप मूंग की दाल लेंगे। देखिए, मूंग का दाल का भी आकार उसी तरह का होता है, लेकिन ये आकार में उड़द दाल से थोड़ा छोटा होता है और ये येलो कलर का होता है। यही इसकी पहचान है। खास तौर पे हमने बिगनर के लिए बताया है, क्योंकि अक्सर उन्हें दाल पहचानने में दिक्कत होती है। हमारे जैसे गृहिणी जो है वो तो आराम से इसे पहचान लेते हैं। तो इसे भी हमने 1 कप लिया है। तो 1 कप हमने उड़द दाल और 1 कप हमने मूंग की दाल ले ली है। अब हम इसे धोएंगे, तो इसके लिए हम एक बोल लेंगे। बोल में हम दोनों ही दाल को एक साथ डाल देंगे। आप चाहे तो अलग अलग धो के भी इसे पानी में सोख करके रख सकते हैं, लेकिन हमने इसे एक ही साथ धोया है। तो अब हम इसे अच्छी तरह से धो लेंगे। तो देखिए, हमने इसे अच्छी तरह से धोने के बाद बिल्कुल साफ पानी है, इस तरह से धो दिया है। अब इसे हम 4 से 5 घंटे के लिए फूलने के लिए छोड़ देंगे। देखिए, 4 से 5 घंटे के बाद आप देख सकते हैं इसका कलर बहुत चेंज हो गया है, पानी भी थोड़ा सा डार्क हो गया है। तो इसे पानी से हम अलग कर देंगे। तो हमने देखिए पानी से हम इसे छान लिए हैं, पानी हम हटा दिए हैं इसके अंदर से। अब हम यहाँ पे इसे पेस्ट बनाना है, बहुत फाइन पेस्ट नहीं बनाना है। तो अब इसे हम इस तरह से कि स्पेचुला का यूज़ करेंगे, जो जालीदार स्पेचुला होता है, ताकि इसका पानी नीचे निकल जाए। तो इस तरह से हम इसमें डालेंगे और अभी इसमें हम पानी बिल्कुल यूज़ नहीं करेंगे, इस पर थोड़ा बहुत पानी खुद ही चला जाता है। तो देखिए, इसे हमने इस तरह से पीस लिया है। देखिए, बहुत फाइन नहीं है, बस सूजी की तरह ही हल्का इसमें दाना दाना है। तो बस इसी तरह से इसका पेस्ट बना के तैयार कर लेना है। इसे हम एक बोल में निकाल लेंगे। दहीवाड़ा बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होता है। तो आप चाहें तो सिर्फ उड़द की दाल से भी दहीवाड़ा बना सकते हैं या फिर सिर्फ मूंग की दाल से भी बना सकते हैं, लेकिन दोनों ही दाल लेने से होता यह है कि उड़द की दाल जो होती है वो जल्दी डाइजेस्ट होने में प्रॉब्लम करता है, लेकिन मूंग की दाल डालने के बाद इसे बहुत ही आराम से डाइजेस्ट होता है। अब यहाँ पे हमने उसी जार में बाकी के दाल को शिफ्ट किया है, तो इसमें थोड़ा पानी है उसे हम हटा देंगे और जो नीचे जो दाल बचा हुआ है इसे भी हम इसमें डाल देंगे। और सेम तरीके से हमने इन्हें इसे फिर से पीस लेना है। तो देखिए, हमने इसे पीस लिया है। आप देख सकते हैं इसका भी पेस्ट बिल्कुल बन के तैयार है। तो अब इसे भी हम इसी बोल में निकाल लेंगे। देखिए, तो ये सारे हमने इस बोल में शिफ्ट कर दिया है। अब हम इसमें 1 चम्मच नमक, 1 छोटी चम्मच नमक हमने यूज़ किया है, 1 छोटी चम्मच जीरा और ये इस छोटी छोटी टुकड़ों में कटा हुआ अदरक हम यूज़ करेंगे। अगर हम ग्रेट किया हुआ अदरक डालेंगे तो वो टेस्ट नहीं आएगा। 2 मिर्चा का हमने इस तरह से बारीक काट के इसमें डाल दिया है। ये सब ऑप्शनल है, अगर आप ना देना चाहे तो ना भी डाल सकते हैं। अब हम इसे हाथ से इसको अच्छी तरह से फेंटेंगे। आप चाहें तो इसे बीटर से भी फेंट सकते हैं, लेकिन हाथ से फेंटने से ज़्यादा अच्छा फ्लफी बनता है। तो देखिए, इसे हम हाथ से फेंटेंगे तो करीब हमें 10 से 15 मिनट के लिए कंटिन्यू इसे फेंटना है एक ही डायरेक्शन में। तो कुछ चीज़ों को आपको ध्यान देना होगा कि हमेशा इसे एक ही डायरेक्शन में फेंटें, पानी बिल्कुल यूज़ ना करें, तो ये अपने आप जो है इतना गीला हो जाता है जिससे कि दहीवाड़ा बन सके। तो देखिए, यहाँ पे हमने 10 मिनट के लिए फेंट लिया है। अभी आप इसका टेक्स्चर देख सकते हैं कि इसका टेक्स्चर थोड़ा सा चेंज हो गया है, लेकिन अभी हमें इसे और फेंटना है। तो ये करीब हमने अब इसे 20 मिनट के लिए फेंट लिया है। देखिए, 15 से 20 मिनट हमने इसे फेंटा है। अब इसका टेक्सचर देखिए, ये जो है बिल्कुल फ्लफी हो चुका है और साथ में इसे आप अगर उठा के गिराएंगे तो गिरता भी नहीं है जल्दी, थोड़ा सा टाइम लगता है गिरने में, लेकिन फिर भी आपको एकदम परफेक्ट ये फिट हो चुका है। इसको जानने के लिए आप एक बोल में पानी लें और इसे इस तरह से एक बड़ी बना के डालें। देखिए, इसमें ये फ्लोट कर रहा है, मतलब तैर रहा है, मतलब समझ लीजिए कि ये बिल्कुल हटा चुका है। अब यहाँ पे हमने तेल लिया है, तेल को हमने गरम कर लिया है पहले से। कुकिंग ऑयल लेना है, हम यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल लिए हैं। अब इसे हाथ को हम थोड़ा सा गीला करेंगे और बड़ी के साइज का हम इसमें
से इस तरह से बड़ा बनाएंगे। आप चाहे अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसकी बड़ा की साइज थोड़ा बड़ा या छोटा कर सकते हैं, या फिर आप मेंडू बड़ा की तरह आप इसे बना सकते हैं। तो इस तरह से आप जितना एडजस्ट हो सकता है उतना आप इसमें बड़ा डाल दें इस तरह। अगर आपको दिक्कत आती है तो आप चम्मच से भी इसे डाल सकते हैं, लेकिन हाथ से थोड़ा सा सुविधा होता है इसे डालने में। अब इसे अच्छी तरह से एक तरफ से पकने दें ताकि इसका कलर चेंज हो जाए। जब तक कलर नहीं चेंज होता है हम इस स्पैचुला नहीं लगाएंगे। तो अब इसका कलर चेंज होने के बाद हम इसे पलट पलट के गोल्डन कलर का इसे हम फ्राई कर लेंगे। तो देखिए अब इसका कलर जो है बहुत अच्छा आ चुका है, बिल्कुल गोल्डन कलर का ये फ्राई हो चुका है। तो इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। ज़्यादा डार्क नहीं करना है, ना ही लाइट ही रखना है, बिल्कुल एग्जैक्ट कलर का हमें फ्राई करना है। तो देखिए इस तरह का कलर होना चाहिए। अब बाकी का जो बचा हुआ है उसे भी हम सेम प्रोसेस से हाथ को थोड़ा सा गीला करेंगे और रिक्वायरमेंट के हिसाब से साइज छोटा छोटा साइज का अपना बड़ा बना लेंगे। तो जितना एडजस्ट हो सकता है उतना हम इसमें डाल देंगे। और थोड़ा सा भी हमने इसमें बचा लिया है जो हम आपको आगे बताएंगे कि हम ऑयल फ्री बिल्कुल बिना तेल का हम कैसे बनाते हैं दही वड़ा, और साथ में एकदम हल्का तेल डाल के भी हम दही वड़ा बनाना बताएंगे। कम तेल में कैसे दही वड़ा बनता है तो उसे भी हम आपको बताएंगे। तो उसके लिए ना हम थोड़ा सा पेस्ट अभी अलग करके रख दिए हैं। तो अब देखिए ये भी जो है बिल्कुल फ्राई हो चुका है। आप देख सकते हैं इसका कलर बिल्कुल गोल्डन कलर का ये आ चुका है। तो इसे भी हम उसी प्लेट में निकाल लेंगे। देखिए ये काफ़ी फूल भी गया है, जितना छोटा डालेंगे उसका दोगुना ये हो जाता है फूल के। अब हम इसे एक बोल लेंगे और बोल में हम गुनगुना पानी डालेंगे, हल्का गुनगुना पानी होना चाहिए। अब इसमें हम थोड़ा सा नमक डालेंगे। तो हम यहाँ पे एक छोटी चम्मच काला नमक का यूज़ कर रहे हैं जो ब्लैक सॉल्ट होता है, और 3 पिंच के करीब हम यहाँ हींग डालेंगे। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। इसे मिक्स कर दें और जितना आपको अभी ज़रूरत है जितना आपको सर्व करना है उतना ही आप इसमें बड़ा डालें, उससे ज़्यादा ना डालें। बाकी बड़ा जो है उसको एयर टाइट डब्बों में भर के आप रख लें और फ्रीज में रखें, या बाहर भी 3 से 4 दिन के लिए रख सकते हैं। और जब भी आपको बड़ा बनाना हो तो थोड़ा सा ज़्यादा गर्म पानी में इसे फूलने के लिए छोड़ें। जैसे अभी हमने गुनगुना पानी में छोड़ा है तो इसे हम ढक के अभी रख देंगे। अब हम आपको बताते हैं कि हम ऑयल फ्री और कम ऑयल में कैसे बनाते हैं दही वड़ा। तो उसके लिए हम इसमें थोड़ा सा इनो डालेंगे, 1/2 टीस्पून हम इनो डालेंगे। एक ही डायरेक्शन में इसे फेंट लेंगे फिर से। देखिए इस तरह से हम इसे फेंट लेंगे और यहाँ पे हम आपको बताएंगे बिल्कुल ऑयल फ्री जो बिना तेल का। तो उसके लिए हम यहाँ इडली स्टैंड लेंगे, इसको हम पहले ग्रीस कर लेंगे और इसमें हम सारे बैटर को थोड़ा थोड़ा डाल देंगे। बड़ा वाला जो बैटर हमने बनाया है उसको हम इसमें थोड़ा थोड़ा डाल देंगे। देखिए और पहले से हमने इडली स्टैंड को पानी डाल के चढ़ा रखा है, वो पानी जो है खोल चुका है। अब हम इसको इडली स्टैंड के अंदर डालेंगे। तो देखिए इसके अंदर हम इसे डाल देंगे, पानी इसमें ऑलरेडी पहले से डला हुआ है, वो खोल रहा है पानी। तो हम इसमें डाल देंगे और इसको ढक्कन बंद करके 10 मिनट के लिए हम इसे पकने देंगे। जब तक ये 10 मिनट पक रहा है हम आपको बताते हैं कम ऑयल में हम कैसे बनाते हैं दही वड़ा। तो उसके लिए हम यहाँ पे अप्पम स्टैंड लेंगे। अप्पम स्टैंड में को भी हम थोड़ा थोड़ा ग्रीस कर लेंगे पहले इस तरह से। बहुत कम ऑयल में ये बन जाता है। तो इसे हम ग्रीस करने के बाद इसे अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। अब हम इसमें सारे में थोड़ा थोड़ा बैटर डाल देंगे, बड़ा वाला बैटर, और इसे हम ढक के 3 से 4 मिनट के लिए छोड़ देंगे। बिल्कुल गैस का फ्लेम हम लो कर देंगे और इसे 3 से 4 मिनट के लिए हम ढक के छोड़ देंगे। आप देखेंगे कि इसका कलर चेंज हो गया है और ये नीचे से बिल्कुल पक चुका है। तो देखिए 3 से 4 मिनट हो चुका है। अब हम इसे दिखाते हैं। तो देखिए इसका कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है और ये फूल भी गया है। तो अब हम इसे पलट लेंगे, क्योंकि हमें दूसरी तरफ से भी इसे पकाना है। तो एक चम्मच की सहायता या चाकू की सहायता से आप इसे आराम से इसे पलट लें। तो यहाँ हम चम्मच की सहायता से इसे पलट रहे हैं, आपको जैसे भी सुविधा हो उससे आप पलट सकते हैं। तो इस तरह से हम इसे पलट लेंगे ताकि दूसरी तरफ से भी ये पक जाए। देखिए सारे अप्पम को हमने इस तरह से पलट लिया, ऊपर से भी हम थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस कर देंगे।
ताकि दूसरी तरफ भी हल्का हल्का तेल से ये क्रिस्पी हो जाए, पक जाए। तो इसे भी हम ऊपर से थोड़ा सा ग्रीस कर लेंगे हल्का हल्का तेल से, और इसे फिर से दोबारा से हम ढक के छोड़ देंगे 3 से 4 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे। इधर देखिए 10 मिनट हो चुके स्टीम वाले बड़ा के को, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं इडली स्टैंड को हम हटाएंगे और इसमें से जो है बड़ा जो है जो हमने स्टीम किया इसे निकाल लेंगे और इसे ठंडा होने देंगे। इधर जो है सो ये अपम स्टैंड वाला बड़ा भी जो है बिल्कुल बन चुका है, 3 से 4 मिनट करीब हो चुका है इसे पकने में। तो दोनों ही तरफ ये काफ़ी अच्छी तरह से पक चुका है, तो इसे हम अब एक प्लेट में निकाल लेंगे। देखिए आप देख सकते हैं कि दोनों ही तरफ ये बहुत ही अच्छी तरह से फुला फुला पका है। अगर इसको आप जब दही वड़ा में सर्व करेंगे तो पता ही नहीं चलेगा कि ये कम तेल का दही वड़ा बना हुआ है। इसे स्वाद में कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, बहुत ही टेस्टी लगता है, बहुत ही अच्छा बनके तैयार होता है। इधर देखिए इडली स्टैंड वाला बड़ा भी बिल्कुल बनके तैयार है, आप देख सकते हैं बिल्कुल फ्लफी फ्लफी बनके तैयार है, आराम से ये निकल रहा है। सारा बड़ा को निकाल लिया है, बिल्कुल ऑयल फ्री ये बड़ा है। तो अब इसको हम इसी पानी में डालेंगे जिसमें हमने बड़ा डाल के रखा है, तो इसे भी हम सोक करके छोड़ देंगे आधे घंटे के लिए करीब। तो सभी को इस तरह से आप सोक करके छोड़ दें, जो हमने अब इडली स्टैंड में बनाया है उस बड़ा को भी, और जो हमने अपम स्टैंड में बनाया है उसे भी हम इस तरह से डाल के इसे ढक के हम आधे, पानी थोड़ा कम लग रहा था तो हमने पानी और डाल दिया है, एक बर्तन से हम इसे दबा देंगे, ऊपर से इसे ढक के छोड़ देंगे। जब तक वो आधे घंटे के लिए पानी में फूल रहा है, हम एक मसाला तैयार कर लेते हैं। उसके लिए हमने 1 छोटी चम्मच अजवाइन, 1 छोटी चम्मच गोल मिर्च पाउडर, 2 छोटी चम्मच हमने जीरा लिया है, और 2 छोटी चम्मच हम यहाँ पे धनिया लेंगे, गोटा धनिया। इसे हम थोड़ा सा चला लेंगे, गैस को हमने ऑन रखा है, थोड़ा सा ये जो बर्तन है वो गर्म हो चुका है। यहाँ हम 3 से 4 लाल मिर्च डाल रहे हैं, अगर आपको तीखा ज़्यादा पसंद है तो थोड़ा सा मिर्च आप और डाल सकते हैं। इसे अच्छी तरह से भून लेंगे, तो देखिए ये भून चुका है, तो अब हम इसे ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद हम इसे मिक्सी में पीस लेंगे, तो अब ये ठंडा होने के बाद हमने इसे मिक्सी में पीस लिया है, तो इसे एक बोल में इस मसाला को निकाल लेंगे। इस मसाला से दही वड़ा का टेस्ट और भी बढ़ जाता है। और इधर देखिए दही वड़ा को सूख के आधे घंटे हो चुके हैं, तो इसे हम अब निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं ये काफ़ी फूल चुका है, तो इसका साइज़ देखिए आप, जो पहले डाले थे उस वो इतना बड़ा है, और ये अब जो है काफ़ी बड़ा हो गया है, पानी काफ़ी सोख लिया है। तो इसे हम हथेली की सहायता से हल्का हल्का प्रेस करते हुए पानी निचोड़ लेंगे। जितना भी बड़ा है जिसे हमें अभी सर्व करना है वो सबको हम इस तरह से हल्का हथेली की सहायता से थोड़ा सा प्रेशर डालते हुए इसे हम पानी से निचोड़ लेंगे। देखिए ये स्टीम किया हुआ में भी उतना ही पानी सोख किया है, और ये अपम वाला जो है उसमें भी उतना ही पानी सोख कर दिया है, मतलब अंदर जो है काफ़ी जालीदार है ये। तो इस तरह से हम इसे निचोड़ लेंगे, जितना हमें सर्व करना है उतना निचोड़ के हम हटा साइड करेंगे। अब हम यहाँ पे सर्व करने से पहले इसमें एक बोल में हम दही लेंगे, और दही को हम हल्का सा फेंट देंगे, और इसमें हम 1/2 टीस्पून काला नमक और 2 छोटी चम्मच हम यहाँ पे पीसी हुई चीनी का यूज़ करेंगे। इससे जो है दही वड़े का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अब हम इसे इस तरह से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद हमने जो नीचे दही वड़ा को निकाल के रखा है इसे हम इसमें डाल देंगे। जितना भी फ्राइड बड़ा है या फिर स्टीम वाला बड़ा है या फिर अपम स्टैंड वाला बड़ा है वो सबको हम इसमें डाल देंगे, और इसे दही में अच्छी तरह से सोक कर देंगे। 10 मिनट के लिए आप इसे छोड़ दें ताकि दही के अंदर ही अच्छी तरह से सोक हो जाए। 10 मिनट के बाद हम इसे सर्व करेंगे। तो देखिए हम यहाँ पे इसे 10 मिनट हो चुका है, तो हम यहाँ पे इसे सर्व कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम एक प्लेट लेंगे, प्लेट में इस तरह से दही वड़ा निकालेंगे, दही भी साथ में हम डालेंगे। अब ये देखिए अपम स्टैंड में जो हमने दही वड़ा बनाया था उसे भी हम इसी तरह से डाल देंगे। देखने में इतना ही खूबसूरत, खाने में भी उतना ही टेस्टी, पता ही नहीं चलेगा कि ये कम तेलों में बना हुआ है। जिन लोगों को तेल वगैरह से प्रॉब्लम है वो इस तरह से बना के ज़रूर खा सकते हैं, और जिन्हें बिल्कुल ही तेल नहीं खाना है उनके लिए ये स्टीम किया हुआ देखिए दही वड़ा खाने में वो भी उतना ही टेस्टी लगता है, पता ही नहीं चलेगा कि ये फ्राइड नहीं है। ऊपर से हम खट्टी मीठी चटनी, खजूर की चटनी से हम इसे सर्व करेंगे, ऊपर से डालेंगे मीठी चटनी, इससे इसका टेस्ट जो है और भी बढ़ जाता है।
तो लुक तो बढ़ता ही है, साथ में इसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आता है। तो आप इस तरह से खट्टी मीठी चटनी जरूर इसके ऊपर डालें। ऊपर से हम थोड़ी सी हरी धनिया की चटनी भी डालेंगे, इससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है साथ में और लुक भी इसका बढ़ जाता है। तो थोड़ा सा हरी धनिया की चटनी भी इस तरह से आप इसमें डालें। और जो हमने एक मसाला तैयार किया है दही वड़ा के लिए, वो हम इसके ऊपर से स्प्रिंकल कर देंगे अच्छी तरह से। देखिए, आप यदि थोड़ा ज़्यादा डालना चाहे तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं, थोड़ा कम डालना चाहे तो कम भी डाल सकते हैं। हम थोड़ा थोड़ा यहाँ पे डाल रहे हैं और ऊपर से थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च हम डालेंगे ताकि इसका कलर जो है और भी सुंदर आ जाए। तो थोड़ा सा आप मिर्चा पाउडर इसके ऊपर ज़रूर स्प्रिंकल करें। तो आप देखिए, अब हम आपको इसके उसको कट करके हम दिखाएंगे आपको कि कितना सॉफ्ट बना है। कोई भी आप कट करके देखिए उतना ही सॉफ्ट है। तो ये देखिए फ्राइड वाला दही बड़ा है, वो भी उतना ही सॉफ्ट है। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर कितना जाली भरा हुआ है, ये काफ़ी सॉफ्ट है। साथ में अप्पम वाला भी हम आपको दिखाते हैं। इस अपने स्टैंड में जो हमने बड़ा बनाया है उसमें भी देखिए आप कितना सॉफ्ट है। साथ में ये स्टीम किया हुआ, ये भी उतना ही सॉफ्ट है। सभी बहुत सॉफ्ट है, बहुत ही अच्छे बन के तैयार हुए हैं। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, मेरे चैनल पर नया आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और यदि जैसे ही आप सब्सक्राइब करेंगे, आने वाले बेल आइकन की घंटी को आप ज़रूर दबाएँ ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो देखिए, मुझे उम्मीद है कि इस होली में आप इसे ज़रूर बनाएंगे। यदि आप होली में इस बड़ा को बनाते हैं किसी भी तरीके से तो कमेंट सेक्शन में लिख के आप जरूर भेजें कि आपको ये कैसा लगा। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। तो एक बार हैप्पी होली के साथ हम फिर से एक नई रेसिपी में मिलते हैं आपके साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।